हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर जो हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में काफी सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों कि कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना आपने अभी तक सीखा है। यहाँ पे देखिए कि आपको क्या पूछा गया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। फ्रैक्शंस का क्या पूछा गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा है कंपेयर करना, यानी तुलना कैसे करते हैं भिन्नों की, ये सीखा है। या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सीखा है। चलिए अब हम जो कंपेयर करने का तरीका है उसी की मदद से सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शन ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे 2/3 एंड 4/5। अब इन दोनों में से बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। कैसे बताएंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, 2/3 और 4/5 है, कितना आ जाएगा, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/15, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 12/15। अब आपको यहां से दिख रहा है कि 10/15 छोटा है 12/15 से, इसीलिए 2/3 छोटा होगा 4/5 से, क्लियर है। ये आप यहां पे देख के बता सकते हैं, ये हमने सॉल्यूशन दिया है इसका। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इनको करना है ऐड, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई 2/3 है प्लस 4/5 है, इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? इससे पहले मैं थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा कि इसको छोड़िए, पहले ये बताइए कि अगर 2/5 प्लस 1/5 इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? भाई दो भिन्न आपके सामने हैं, इनका एडिशन करना है, योग करना है, तो कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल हैं या नहीं हैं। जैसे तुलना करते टाइम हम चेक करते थे कि इनके जो हर हैं वो सेम हैं या नहीं है, सेम नहीं होते थे तो उनको सेम बनाते थे। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे ऐड करेंगे बच्चों? देखिए 5 आ जाएगा एलसीएम, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम आ जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा उसको सीधा सीधा हम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो न्यूमरेटर में अंश में क्या था, यहाँ पे 2 और 1, तो 2 और 1 का एडिशन करेंगे हम, और जो हर में था उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 था तो मैंने 5 को एज इट इज लिख दिया। ये आता है बेसिकली इसका एलसीएम निकाल के, ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हम बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये डिनोमिनेटर जो है वो मैंने इक्वल किया, या फिर पहले से इक्वल था, समान था, तो मैंने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा इनका एडिशन, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3/5, तो 2/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/5 आएगा ये, क्लियर है। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए आप। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ इसी तरह से होता है। अब हम कंपेयर को छोड़ देंगे क्योंकि कंपेयर तो हम अच्छे से सीख चुके हैं, अब सीखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भिन्नों का योग और व्यवकलन या फिर घटाओ, तो इनको जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब देखिए इसी तरह से अगर कोई संख्या ऐसी है जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है, जैसे कि
दो बटे तीन और चार बटे पांच, इनके डिनोमिनेटर इनकी हर अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनके डिनोमिनेटर पहले इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे कर लेंगे, जैसे यहां पे किए हैं, क्या क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इक्वल करके, एक तो 10 बटे 15 और दूसरा आ जाएगा 12 बटे 15। भाई दोनों के मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए यहाँ पे, 10 बटे 15 और 12 बटे 15, इनको ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 15 और 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 यहाँ पे कर देंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 22 बटे 15, 22 बटे 15 क्या हो गया, इन दोनों भिन्नों का योग हो गया, एडिशन हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और जो आपको आंसर देने होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं हम क्वेश्चंस। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं, डायग्राम देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट ए है, उसमें क्या दिया है भाई, कुछ बॉक्स बनाए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है सब में इक्वल है, इक्वल है कि नहीं। इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल बॉक्स हैं 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल बॉक्स हैं 5। पहले जस्ट हमें ये देखना है कि जो इसकी भिन्न है वो कितनी बनती है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई, जितना हिस्सा इसका शेडेड होगा, छायांकित होगा, वो आएगा। तो सिर्फ एक बॉक्स है छायांकित, इसलिए मैंने एक लगा दिया यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे साइन कौन सा है इनके बीच में, इनको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है ये नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं। इसका क्या फ्रैक्शन होगा, टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल बॉक्स यहां पे भी 5 है और शेडेड बॉक्स हैं 2, कितने हैं शेडेड बॉक्स 2 हैं। अब इक्वल टू, यहां पे भी टोटल बॉक्स कितने हैं 5 हैं और शेडेड बॉक्स हैं 3। जो छायांकित भाग है वो ऊपर लिखते हैं, जो टोटल बॉक्स है वो नीचे डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं। अब बच्चों आपको ये बताना है कि यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों भिन्नों को हमने जोड़ा है या घटाया है, योग किया है या व्यवकलन किया है। तो हम देख सकते हैं दो में से कोई एक ही चीज तो होगी, तो हम बारी बारी करके देख सकते हैं। पहले तो 1/5 को जोड़ के देख सकते हैं, 2/5 में कितना आंसर आएगा, 5 एलसीएम हो गया, 1 + 2 तो 3/5 आएगा। देखिए 3/5 ही आया है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, इन दोनों को किया है हमने ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हुआ है स्टूडेंट्स। इसी तरह जो पार्ट बी और सी है उसका आपको पता लगाना है कि यहाँ पे एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है। कैसे पता लगाएंगे बच्चों, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम फ्रैक्शन लिखेंगे पहले, तो जो तीन आपको डायग्राम दिए हैं तीनों के भिन्न लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई इन दोनों को ऐड करके आया है या तीसरा या सब्ट्रैक्ट करके आया है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स और बी और सी पार्ट को सॉल्व करके आंसर बताएंगे। सभी के सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से और चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर देंगे आप। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट बी, वो देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व उसको।
भाई पहले तो हम ये जो सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये देखेंगे इसके कुल कितने भाग किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल भाग हैं इसके 5, और जो छायांकित भाग हैं वो भी 5 हैं, तो ये तो हो गया 5/5। अब इसके बाद बीच में मैं स्पेस छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद फिर से ये कुल भाग तो यहाँ पे 5 ही हैं, और जो छायांकित भाग हैं वो 1, 2 और 3 हैं सिर्फ। कितने हैं? 3 हैं। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे भी कुल भाग तो 5 हैं लेकिन छायांकित भाग सिर्फ 2 हैं। तो आंसर 2/5 आए। हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि इन दोनों भिन्नों का आंसर 2/5 किस केस में आ सकता है। तो चलिए, 5/5 और 3/5 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 5+3 ये आ जाएगा 8/5। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2/5 चाहिए। तो जोड़ने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे घटाने से काम बनेगा। अब इन दोनों को घटा के देखिए, आपका आंसर 2/5 ही आएगा। 5/5 - 3/5 = 5 यहाँ आ गया, 5 - 3 ये हो गया 2/5। देखा, आंसर मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट सी। इसमें आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। तो टोटल सर्कल पहले भाग में कितने हैं? 6। दूसरे भाग में भी 6 हैं और तीसरे भाग में भी टोटल सर्कल हैं 6। अब छायांकित जो पार्ट्स हैं वो देखिए, 1, 2 दो है छायांकित भाग, फिर यहाँ पे है 1, 2, 3 तीन है छायांकित भाग, और यहाँ पे है 5, 5। तो यहाँ पे आपको बताना है इनको ऐड करके आया है 5/6 या फिर सब्ट्रैक्ट करके आया है दोनों भिन्नों को 5/6। ये आपको बिल्कुल इसी तरह से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो लगभग हमने क्वेश्चन कर दिया है, नोट डाउन करिए और इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। इनको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो ये हैं तीन पार्ट्स, देख सकते हैं आप। पहले और दूसरे में ऐड करना है, तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाव करना है। तो बच्चों इन सब के डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो सेम है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है तीनों पार्ट्स का। चलिए स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 1/18 + 1/18 है, दैट मीन्स 18 यहाँ पे क्या है, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 18 है, तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में जो यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर है उनको
ऐड कर देंगे ये कितना आ जाएगा 2/18 2/18। इसी तरह से पार्ट बी अगर करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे है 15 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 8 है प्लस 3 है, कितना आ जाएगा ये 11/15। इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 7, दोनों में 7 है इसलिए हम लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर 7-5, तो यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया मैंने, प्लस होता तो प्लस करते। अब 7 में से 5 अगर घटाओगे तो 2 बचेंगे, तो ये 2/7 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपके तीनों पार्ट्स हो जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, यहाँ पे देखिए जो सरलतम रूप में आप जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करने की भी कोशिश करेंगे आपसे। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए 2 और 18 किसी से भाग हो रहे हैं तो दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो ये 1/9 आंसर आ जाएगा सरलतम रूप में इसको लिखेंगे तो। इसी तरह से 11/15 को सरलतम रूप में लिख पाएंगे, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसी तरह जो सी पार्ट है उसको भी हम सरलतम रूप में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये पहले से सरलतम रूप में है, तो अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसीलिए इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसी तरह से डी ई एंड एफ ऐड कीजिए, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। आइए स्टूडेंट्स इनको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 1/22 और 21/22 है तो एलसीएम डिनोमिनेटर क्या आएगा 22 आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 22 है। तो अब 1+21 कितना हो जाएगा 22/22। तो ये तो दोनों 22 से ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/1 मतलब 1 यहां पे आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर 15 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और 15 है। अब न्यूमरेटर है 12-7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12-7 कितना आ जाएगा 5, 5/15 है। क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 एकम 5 और 5 दिए 15, मतलब 1/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको नोट डाउन कीजिए फिर इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 5/8 + 3/5,
पांच बटे आठ है और तीन बटे पांच है। अब पांच और आठ का एलसीएम क्या आएगा, पांच और आठ का एलसीएम क्या आएगा, फाइव एंड एट, इनका एलसीएम होगा 40। ठीक है, तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके आप लेके आएंगे यहां पे 40 और यहां पे भी 40। तो मुझे पता है 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आता है, तो 5 इंटू 5 25 यहाँ पे आ गया और 8 थे 24 यहाँ पे आ गया। अब हम ऐड कर सकते हैं 25 और 24 को, 25 बटे 40 प्लस 24 बटे 40, डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा और 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, तो 49/40 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपका पार्ट एफ कंप्लीट होता है। तो ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही करने हैं आपको जैसे अभी तक हमने किए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।